अमित जी बात करें यहाँ से बिनौला खल की, तो देख रहे हैं कि अब कुछ करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है, 0.1% की करेक्शन है चने बिनौला खल के दिसंबर वायदा में। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से चना भी एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है, तो क्या बिनौला खल भी 2500 के लेवल पर ही इसी कारोबारी सप्ताह सीमित दायरे में देखने को मिलता रहेगा? जी देखिए, मुझे पहली बात तो ये लग रहा है कि जो 2300 तक का व्यू था वो बाजार ने कुछ समय पहले डन कर दिया है। कुछ समय पहले का जो लेवल देखो तो 2300 के भाव दिखाकर बाजार बढ़ चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम जैसे आप कह रहे हैं कि अपसाइड भी जो है लिमिटेड है, बिल्कुल सही है। 2600 से 2700 तक के लेवल होंगे जहाँ पर बाजार रेजिस्टेंस लेगा, यानी 2700 से ब्रॉडली बहुत ज्यादा ऊपर इमीडिएट तौर पे नहीं दिखेगा। दोबारा हमें हो सकता है कि 2400 से 2370 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखे। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा नजरिया ले तो मुझे लगता है कि इसी दायरे में बाजार ट्रेड करेगा, यानी कि डाउनसाइड भी जो होगा यहाँ से वो लिमिटेड होगा। 2300 में निकलता हुआ नहीं दिखता हूँ बड़े तौर पे, और एट द सेम टाइम 2700 के ज्यादा ऊपर भी निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ये भी अगेन लाइक 2 से 3 हफ्ते की बात रही। उससे अगर आगे का देखूं तो एक बार ये पॉसिबल है कि इस दायरे से निकल के प्राइजेस जो है दोबारा 2900 तक जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो एक महीने का नजरिया हो, वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस, यानी अगले 2 हफ्तों तक मैं समझता हूँ कि लगभग 2400 से 2700 का एक दायरा बना रहे जी। तो यानी कि शॉर्ट टर्म में एक सीमित दायरा है, लेकिन अगर उसके ऊपर निकल जाते हैं तो अब जाके बिनौला खल की कीमतों में एक महीने या उससे थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, तो कीमतें अच्छी बनती हुई नज़र आ सकती है बिनौला खल के अंदर एक बार फिर से। जी